आज नवरात्रि का नौवा और अंतिम नवरात्रा है। नौवा नवरात्रा माँ सिद्धिदात्री का कहलाता है। इसी मौके पर आज हम दिल्ली के कालका जी मंदिर में हैं। कालका जी मंदिर की मान्यता की बात करें तो ये वही मंदिर है जहाँ रक्त बीज का माँ कालका ने संहार किया था। रक्त बीज एक दानव था जिसने तीनों लोक में त्राहिमाम मचा रखा था। इस सब को देखते हुए तीनों लोक के देवता माँ भगवती के पास गए थे। माँ भगवती ने अपने अंदर शक्ति उत्पन्न करी जो माँ कालका कहलाई, तो उसी माँ कालका ने रक्त बीज का संहार कर तीनों लोक में शांति दिलवाई थी। तभी तीनों लोकों के देवताओं ने यह वरदान दिया था, माँ कालका के दर्शन करने से सभी की मनोकामना पूरी होंगी। फिर हमने कालका जी मंदिर में श्रद्धालु से बातचीत करी तो हमें पता चला श्रद्धालुओं का यह कहना था कि कोरोना के बाद हमें ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भक्तों ने यह भी कहा कि 2 साल बाद मंदिर खुला है, इसका इंतजार था और हमें बहुत आनंद भी आ रहा है। कोरोना में और अब पहले कोरोना से पहले आपको क्या चेंजेस लगते हैं, मंदिर में उतनी भीड़ है या नहीं है? नहीं, अब तो पहले से भीड़ मतलब कि अब पहले बहुत कम हो गई थी, अब थोड़ी सी हो गई है ज़्यादा। वो भी मास्क लगा रहे हैं लोग बाग इसलिए, और अच्छा लग रहा है उनको, मतलब इतने सालों में मंदिर खुलती है। कोरोना के बाद ज़्यादा भीड़ है? कोरोना से बाद ज़्यादा भीड़ है, कोरोना से पहले इतनी भीड़ नहीं थी, क्योंकि कोरोना से पहले जो भी कोई व्यक्ति आता था तो इतनी भीड़ नहीं होती थी, ना ही कोई अंदर बगैर आज्ञा के पालन के जाता था। कोरोना के बाद ज़्यादा भीड़ हो गई है? कोरोना के बाद ज़्यादा भीड़ हो गई है, इस बार बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। कोरोना से पहले ज्यादा भीड़ थी, कोरोना के बाद ज्यादा भीड़ आई? भीड़ तो मुझे अभी ज्यादा लग रही है, क्योंकि तो पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी। भीड़ तो अब भी होती थी, ये कि नहीं 2-3 साल से कोरोना चल रहा था, जिस प्रकार लोग नहीं आ पाए तो लोग इस बार थोड़े ज्यादा लोग आने लगे। आप क्या कहोगे, कोरोना के बाद ज्यादा भीड़, कोरोना से पहले ज्यादा भीड़ थी? भीड़ तो आज इतना खास नहीं है, पहले ज्यादा होती थी। पहले तो लोटस वो जो कमल का है ना, वहाँ तक लाइन लगती थी। तो कोरोना में आप क्या अलग अलग चेंजेस देखते हैं मंदिर के अंदर? चेंजिंग है, एक तो प्रसाद नहीं चढ़ाने देते हैं, प्रसाद मना है, और दूसरी की मतलब व्यवस्था तो सही है, दर्शन करो चल दो। फिर हमने और श्रद्धालु से पूछा तो एक श्रद्धालु ने यह भी कहा कि माँ से अलग भला हम कैसे रह सकते हैं। माँ के बिना नहीं रह सकते। स्काई न्यूज़ ग्लोबल रिपोर्ट।